दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल फोर्थ सेमेस्टर का एमजेपी आरयू वालों का ऑब्जेक्टिव पेपर है और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं सर एक फाइनल वीडियो आनी ही चाहिए। हालांकि हमने इंपॉर्टेंट बना रखे हैं, सब कुछ बना रखा है, लेकिन हमने कहा चलिए आपसे वन टू वन भी हो जाएंगे, आपको बेस्ट विशेष भी दे देंगे और एक छोटा सा आइडिया दे देंगे उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है या फिर वो बच्चे जो प्रॉपर हमसे जुड़े हुए हैं और सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। ये वीडियो आपके लिए है, 5 मिनट केवल आपके लेने वाले हैं। ध्यान से सुनो मेरे भाई, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है 4 घंटे अगर आपके पास आखिरी बचे हुए हैं, मान लिया आपका पेपर 11 बजे से है और ये वीडियो आप सुबह 6 बजे भी देख रहे हो, हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं अगर आपकी किस्मत चल गई तो आप 75 में 75 विकल्प तक लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, भागना नहीं मेरे भाई, ठीक है। हमने 2 प्लेलिस्ट बना रखी है। अबे यार प्लेलिस्ट का प्रचार करने आकर सुन तो लो मेरे भाई। ये 2 जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं, इस वाली प्लेलिस्ट, ये नई प्लेलिस्ट है, देखो बिल्कुल अपडेटेड थंबनेल्स हैं, सारी चीजें बिल्कुल बेहतरीन है। ये जो नई प्लेलिस्ट है मेरे भाई, इसमें जो है हमने लगभग 8 वीडियोस ऐड कर रखी हैं, ठीक है। और ये पुरानी जो प्लेलिस्ट है सर जी, इसमें भी हमने कितनी 8 वीडियोस ऐड कर रखी हैं, यानी दोनों मिला के कितनी वीडियोस हैं, 16 वीडियोस हैं। और जब आप इन सबको जोड़ लेना मेरे भाई, 13 मिनट, 11 मिनट, ठीक है, 14 मिनट, 22 मिनट, इन सब को आप जोड़ोगे तब भी मेरे भाई पूरे 4 घंटे का कंटेंट ये नहीं है। यानी अगर आप अभी से देखना शुरू करते हैं, और कई बच्चे तो क्या करते हैं डबल स्पीड पे देखते हैं, यहां तक कि भैया ये जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट है इसमें जो लास्ट वीडियो होगी, आप देखना जाके लास्ट वीडियो, उसमें लगभग 31 मिनट की होगी, उसमें हमने न्यूमेरिकल्स तक की प्रैक्टिस कराई हुई है, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं विकल्प के अंदर मेरे भाई लगा के दिखाए। यानी कुल मिला के कुछ बच्चे भगा के देखते हैं 1.5 गुनी स्पीड पे, डबल स्पीड पे, तो अगर आप डबल स्पीड पे देखोगे तो भैया 4 घंटे भी छोड़ो, ये केवल 2 घंटे का कंटेंट है। यानी अगर आपके पास 2-2.5 घंटे भी बचे हुए हैं तो केवल एक काम करो, क्या करोगे, प्लेलिस्ट को देखना शुरू करो। पहले जो नई वाली प्लेलिस्ट है इसे पूरा देख डालो, उसके बाद भैया हम दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में बाकायदा डाल रहे हैं, ओल्ड बल्कि कमेंट भी पिन कर देंगे, न्यू प्लेलिस्ट उसी के नीचे ओल्ड प्लेलिस्ट, दोनों को देख डालो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये दोनों प्लेलिस्ट पूरी देख ली है, कमेंट करके बताओ, उन सभी को गुड लक। और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं कर पाई, भैया भटक रहे हो, तो एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अब लास्ट में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये प्लेलिस्ट देख डालो। भैया अगर अभी देख रहे हो रात के 9, 10, 11 बजे तो 12 बजे से बैठो, सुबह 3-4 बजे तक देख डालो, उसके बाद सो जाओ, 7 बजे, 8 बजे, 11 बजे जब पेपर हो जाके पेपर दे आओ जाके भाई, सीधी सी बात है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम लौट के ही आके सोएंगे, आके साल भर सोते रहे तो आप लौट के आके ही सोएंगे, तो फिर पढ़ते रहो प्लेलिस्ट को 1 बार, 2 बार, 3 बार, इन दोनों को देखते रहो, इतने विकल्प आप आराम से लगा पाओगे कि अच्छा पेपर आपका हो जाएगा। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इनकी जितनी भी पीडीएफ है सारी की सारी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल है अपना BD Canadian BSc जो कि बिल्कुल फ्री चैनल है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जिन लोगों ने ये दोनों प्लेलिस्ट पूरी पूरी देख ली है कॉमेंट करके बताएं, और जो लोग अभी देखने जा रहे हैं वो भी कॉमेंट करें। चलिए सर जी फिर मिलते हैं, थैंक यू।